और मेरे भाई लोग क्या हाल चाल है यार। होप कि आप सब बढ़िया होंगे। एंड आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ कि अगर आप लोग यहाँ पे करंट सीजन 2 की केडी है तो आपका जो नेक्स्ट अपडेट आने वाला है BGMI अपडेट 1.9 के अंदर आपकी 10 की केडी हो जाने वाली है। मैं हवे में बातें नहीं कर रहा हूँ, आप बिलीव नहीं करोगे बट ये चीज़ रियल है। अभी आपका जो केडी है या फिर FD है, तो जो भी आपका फिनिश रेशियो या फिर डिफीट रेशियो जो भी आपका आता है अभी हमारे गेम के अंदर, इसका कोई भी वैल्यू नहीं रहेगा अपडेट 1.9 के अंदर। कैसे आपकी केडी इंप्रूव होगी वो मैं आपको बताने वाला हूँ इस वीडियो के अंदर। वो मेन टॉपिक नहीं है बट इस वीडियो के अंदर मैं आपको टॉप 10 न्यू फीचर्स बताने वाला हूँ अपडेट 1.9 के, जो भी बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर्स ऐड होने वाले हैं। एंड इसको किसी ने भी कवर नहीं किया होगा, तो वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग है, आप एंड तक जरूर वॉच करना। एंड इसके अंदर आप 3 बार रिकॉल हो सकते हैं। उसके अलावा यहाँ पे आपको बहुत सारे किल बिल्कुल फ्री में मिलने वाले। एक नूबड़ा बंदा भी एक मैच के अंदर 10 किल कर सकता है, लाइक मी, मैं एक नूब प्लेयर हूँ। एंड यहाँ पे मैं आपको 10 किल करके दिखाने वाला हूँ कैसे किया जाता है। तो देखो यार, सबसे पहले आपका जो एंशिएंट टेंपल मोड आता है इसके ऊपर लैंड कर जाना है। फिर आर्कटिक मोड, यहाँ पे आपको 2 मोड देखने को मिल जाएंगे, जो कि बोल सकते हो 2 निम्बस आइलैंड देखने को मिल जाएंगे। तो आप किसी भी आइलैंड पे लैंड करते ही आपके हाथ में UMP वेपन रहने वाली है, आपको तुरंत स्विच करना है, डायरेक्ट फायर करना स्टार्ट कर देना। आपको लूटने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। यहाँ पे आप 2 एनिमीज को एकदम इजी फिनिश कर सकते हो, नॉक फिनिश कर सकते हो 2 एनिमी को, इतनी एमओ आपको दी जाती है। एंड उसके बाद आपको थोड़ी बहुत लूट कर लेनी है, आप फाइट लेना चाहो फाइट ले सकते हो। बट यहाँ पे मैं आपको बोलूंगा अगर आप लैंड करते हो आपको फाइट लेने की कोई जरूरत नहीं है, आपको बस यहाँ पे किल चुराने हैं। जितने भी बंदे आपको ऊपर हवे में उड़ते हुए दिखाई दे बस आपको उनको मारते चले जाना है, जैसा कि यहाँ पे मैं आपको करके दिखा रहा हूँ। देख सकते हो मेरे अकाउंट में 3 किल ऐड हो चुके हैं बिल्कुल फ्री में। एंड यार हमारा चौथा बंदा, मतलब 4 किल यहाँ पे मैंने बिल्कुल फ्री में ले लिया है। तो आपको कुछ इस टाइप से यहाँ पे आपको किसी भी एक ऐसे प्लेस पे आ जाना है जहाँ पे आपको कोई भी एनिमी स्पॉट ना कर सके। जैसा कि आप लोग देख सकते हो मैं एकदम परफेक्ट प्लेस में हूँ, चारों साइड से कवर है, बंदे अंदर लड़ रहे बाहर लड़ रहे, बट मुझे यहाँ पे कोई स्पॉट नहीं कर सकता जब तक कोई बंदा मुझे क्लोज ना आ जाए, मेरे क्लोज ना जाए। देख सकते हो चारों साइड से वो लगाया गया, या फिर आप अपने टीममेट की भी हेल्प ले सकते हो अगर आप एक गेम प्ले शूट करते हो। तो बहुत ही अच्छे खासे यहाँ पे किल मिलने वाले, आप ट्राई करो नीचे के बंदे ना मार के आप ऊपर के बंदे मारो, इससे आपकी केडी एकदम इजी मेंटेन हो जाएगी। एंड अगर यहाँ पे आपको कोई एनिमी मार देते हैं, आपको एनिमी जितना हिट करेगा आपका जो हेड पे बबल से वो बबल आपका इंक्रीज होते चला जाएगा, फिर बोल सकते हो उसकी जो साइज है वो बढ़ती चली जाएगी। एंड इसका जो मैक्सिमम साइज है, लिमिट रीच होने के बाद आपका कैरेक्टर हवे में उड़ जाएगा। एंड हवे में उड़ने के बाद अगर आप हीलिंग लगा लेते हो तो आपका कैरेक्टर वापस लैंड कर जाएगा, नीचे वापस उतर जाएगा अगर आप वहाँ पे हवे में हीलिंग कर लेते हो। बट यहाँ पे बहुत ही कम चांस होता है, 0.1% फिर बोल सकते हो 1% चांस ही होता है कि आप हवे में हील कर पाओगे, इसलिए उतने में कोई ना कोई एनिमी आपको जरूर फिनिश कर देता है। तो यहाँ पे देख सकते हो आपकी जैसे पेटी बन गई, ये हो गया आपका फर्स्ट रिकॉर्ड, सेकंड आपका यहाँ से मरने के बाद होता है। आप समझ नहीं पाए तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ, आप इरिंगल के अंदर 3 बार लैंड कर सकते हो। फर्स्ट टाइम आप इरिंगल के अंदर एंटर किए, आप निम्बस आइलैंड पे लैंड किए, वो आपका फर्स्ट हो गया। एंड सेकंड अगर आप वहाँ से मर जाते हो तो आप सेकंड टाइम यहाँ पे नॉर्मली इरिंगल के अंदर लैंड कर पाओगे, आपका 2 रिकॉल। एंड उसके अलावा आपका रिकॉल टावर से भी आप रिकॉल हो जाओगे, 3 रिकॉल। एंड उसके अलावा एक और रिकॉल है वो भी मैं आपको बताने वाला हूँ वीडियो के अंदर, तो आप वीडियो के अंदर तक जरूर देखना। एंड यहाँ पे आपको लैंड करने के बाद आपका नॉर्मल जैसे आप मिरर वर्ल्ड से लैंड करते थे, आई थिंक वहाँ पे मिरर वर्ल्ड से मरने के बाद आपको इस कारण मिलती थी, तो सेम वही चीज़ यहाँ पे भी आपको मिलने वाली है। मरने के बाद नहीं, आपका वहाँ से जो भी होगा मरने के बाद, या फिर आप चाहे डायट आओ तो सब कुछ यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो देख सकते हो आपको बिल्कुल फ्री में इस कारण मिल जाएगी। एंड आप बात कर लेते हैं अपने सेकंड पॉइंट की, तो जो कि है आपका रिकॉल बोल रहा आपका ऑर्डर। तो आप ऑर्डर कर सकते हो नॉर्मली, जैसा कि यहाँ पे देख सकते हो मैंने एक ग्रेनेड ऑर्डर किया, ये हमारा मिशन इग्निशन के साथ आया था, तो फिर से आपको इस मोड के अंदर देखने को मिल जाएगा। पॉइंट नंबर 3 की बात कर ले, जो कि आपका आता है 2 टाइप्स ऑफ एनिमीज। यहाँ पे आपको गेम के अंदर 2 टाइप के एनिमी देखने को मिल जाएंगे। तो देख सकते हो इस एनिमी को मैंने यहाँ पे गाड़ी से टक्कर मारा, एंड ये एनिमी हवे में उड़ गया। तो इसका पिंग हाई था फिर मेरा पिंग हाई था, मुझे नहीं समझ में आ रहा है। तो देख सकते हो ये एनमी हवे मुड़ा, फिर से ग्लिच आउट होकर नीचे गिर गया। तो यहाँ पे आपको गेम के अंदर 2 टाइप के एनमी देखने को मिलेंगे, एक बबल्स वाले, एक विदाउट बबल्स वाले। इंडायरेक्टली बोलूँ तो आपको एक नॉर्मल एनमी देखने को मिलेंगे एंड एक निम्बस आइलैंड वाले एनमी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो जो मैं हूँ अपोजिट टीम के लिए, मैं एक बबल वाला एनमी हूँ एंड बाकी नॉर्मल एनमीज होंगे उनके सामने। तो अगर मेरे को कोई एनमी हिट करता है तो मैं हवे में उड़ूंगा एंड मेरे पास एक और बार बचने का चांस होगा, वो मैं आपको वीडियो के एंड में दिखा दूंगा कहीं पे भी। एंड इसके अलावा आप अपने नेक्स्ट फीचर की बात करें, जो कि आता है हमारा पॉइंट नंबर 4, जो कि आप लोग को सबको पता है, मैंने आप लोग को ऑलरेडी बताई दिया था सब कुछ। तो आपका है 4th एनिवर्सरी। तो 4th एनिवर्सरी का जो न्यू थीम है, यहाँ पे आप लोग आके अच्छी खासी लूट कर सकते हो, बट इससे बेटर ये होगा कि आप निम्बस आइलैंड लैंड करो एंड वहाँ से आने के बाद आप यहाँ पे लूट करना। बट उससे भी इंटरेस्टिंग बात ये है कि यहाँ पे आपको वेब शूटर मिलता है। फिलहाल के लिए मैंने वेब शूटर ट्राई किया फाइंड करने का, तो यहाँ पे कोई एनिमी लेके भाग चुका था, किसी ने यहाँ पे बाइसिकल सब कुछ यहाँ पे तोड़फाड़ हो चुकी थी। तो यहाँ पे आपको सबसे टॉप फ्लोर पे यहाँ पे आपको वेब शूटर देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे फिलहाल इसमें से मुझे नहीं मिला, बट अगर आप उसको देखना चाहते हो वेब शूटर कैसा दिखेगा एंड क्या रियली यहाँ पे वेब शूटर मिलता है कि नहीं मिलता है, तो आप मेरी प्रीवियस वीडियो को वॉच कर सकते हो। तो वहाँ पे मैंने आपको फुल डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया, यूज करके दिखाया सब कुछ कैसा है एंड कहाँ पे मिलेगा, तो आप वॉच कर लेना। एंड उसके यहाँ पे आप नीचे आओगे थोड़ा, यहाँ पे आपको जो अपना सेलिब्रेट करने का ऑप्शन आएगा सेलिब्रेट करते यहाँ पे देख सकते हो 4th एनिवर्सरी पूरा आ जाएगा। एंड लेकिन लास्ट में यहाँ पे आपको एक और चीज़ ऑप्शन देखने को मिल जाती है, आपका वेंडिंग मशीन। तो वेंडिंग मशीन के पास आप जैसे जाओगे, यहाँ पे आप क्लिक करोगे, यहाँ पे आपके सामने एक परफेक्ट लूट आ जाएगी। सिर्फ आपको हीलिंग आइटम दिया जाएगा, उसके अलावा कुछ नहीं दिया जाएगा। हील करने के लिए आपको एकदम परफेक्ट यहाँ पे आपको हीलिंग
बैटल दे दिया जाएगा, मतलब सॉरी हील आइटम दे दिया जाएगा। तो जो हील आइटम होता है आप यहाँ पे ऑलमोस्ट 250 से 300 एचपी इंक्रीज कर सकते हो, आपको इतना हील दे दिया जाएगा। मतलब इन टाइटल बोलो तो आप 2 या 3 टीममेट के परफेक्ट यहाँ पे आपको हील के लिए लूट मिल जाएगी। तो बहुत ही बेटर यहाँ पे फीचर दिया गया, आप हील बेटर कर सकते हो यहाँ पे यूज करते हुए जो भी है। एंड फिफ्थ फीचर की बात करें जो आपको आता है रायोट शील्ड, यहाँ पे आपको गेम के अंदर 2 टाइप के शील्ड देखने को मिल जाएंगे। तो एक मैंने दिखा दिया, यहाँ पे टोटल गेम के अंदर 3 टाइप के शील्ड्स हैं, बट यहाँ पे आपको अपने न्यू मोड के अंदर आपको सिर्फ 2 ही देखने को मिलेंगे। एंड नंबर 6 की बात कर ले जो कि आपका न्यू रिकॉल टावर है, 2 बार आपने मैंने आपको बता दिया कैसे रिकॉल हो सकते हो। ये 3rd टाइम आपका यहाँ पे नॉर्मल एंगल के अंदर लैंड करने की बारी है। अगर आपका कोई टीममेट मर जाता है या फिर आप फिनिश हो जाते हो तो आपका नॉर्मली जैसे चलते आ रहा है आप अपने टीममेट को रिकॉल कर सकते हो या फिर आपका टीममेट भी आपको रिकॉल कर सकता है। देख सकते हो जो मेरा 4 नंबर है उसके जो हेड पे यहाँ पे उसके सर्कल नहीं लगा है, बबल नहीं लगा है, बट मेरे बबल लगा हुआ है। एंड इसका रीजन मुझे नहीं पता ऐसा क्यों होता है, गेम के अंदर 2 टाइप्स के एनिमी क्यों आते हैं अभी फिलहाल के लिए मुझे पता नहीं चला है। बट आप इतना जरूर समझ के चलना आपको गेम के अंदर 2 टाइप के एनिमीज देखने को मिलने वाले हैं। नंबर 7 की बात कर ले, यहाँ पे आपका आता है न्यू रडार सिस्टम। यहाँ पे अगर आप इसके पास आते हो, यहाँ पे आप इसको एक्टिवेट करते हो तो आपके आसपास जितने भी एरिया है 800 मीटर के अंदर पूरे सर्कल में 800 मीटर के अंदर जितने भी साइकिल्स या फिर बोल सकते हो जितने भी बाइसिकल मोटरसाइकिल मोटर कार या फिर ग्लाइडर जितने भी व्हीकल्स होंगे सारे के सारे व्हीकल्स यहाँ पे स्कैन हो जाएंगे। आप किसी भी व्हीकल की लोकेशन पता कर सकते हो 800 मीटर के अंदर। फिलहाल के लिए इसको फिक्स कर दीजिएगा, पहले परमानेंट था, पूरे मैप में आपको लोकेशन पता चलता था। एंड नंबर 8 की बात कर ले आपका न्यू ब्रिज, जैसा कि आप लोग देख सकते हो आपका एरियंगल एंड जो नोमो का ब्रिज है उसको पूरी तरह रिमास्टर कर दिया गया है। मैंने इसके ऊपर फुल डिटेल वीडियो बनाई है, मैंने आप लोग को ऑलरेडी दिखाया है। ये है हमारे कैंपरों की जगह, यहाँ पे कैंपर्स आके एकदम इजी कैंपिंग करने वाले हैं एंड कैंपर का एक अड्डा होने वाला। बट यहाँ पे कैंपिंग भी अगर करोते हो कोई भी फायदा नहीं होगा, इसलिए जितने भी बंदे होंगे वो निम्बस आइलैंड एंड अदर प्लेसेस पे जाएंगे 4th यूनिवर्सिटी पे फाइट करने के लिए। कोई बंदा यहाँ पे ब्रिज पे आएगा नहीं, हाँ आपकी नसीब दूसरी होगी तो कोई पागल बंदा आ जाए आपको किल देने के लिए वो दूसरी बात है। बट यहाँ पे अगर आप इसकी फुल डिटेल वीडियो देखना चाहते हो पूरे ब्रिज के ऊपर, नो ब्रिज एंड मिलिट्री ब्रिज, तो आपको डिस्क्रिप्शन वीडियो मिल जाएगी, आप उसको वॉच कर सकते हो। वहाँ पे मैंने फुल डिटेल के साथ एक्सप्लेन किया क्या हो सकता है इस ब्रिज के ऊपर। एंड एक चीज़ और इंटरेस्टिंग है, इस ब्रिज की जो चौड़ाई है यहाँ पे इसको चौड़ाई इंक्रीज कर देगा बहुत ही ज़्यादा है। बट उससे भी इंटरेस्टिंग है, अगर आप ब्रिज के ऊपर जंप करते हो तो आपको डैमेज नहीं होने वाला जैसा कि आप लोग देख सकते हो। उसका मेन रीजन ये है कि यहाँ पे स्टेयर है, मतलब आपकी हाइट जो है वो कम हो जाती है, मतलब आप जिस साइड से जंप करते हो वो हाइट कम हो जाती है, इसलिए आपको जो आपका डैमेज है वो डैमेज नहीं होने वाला, बहुत ही कम होगा ना के बराबर। एंड नंबर 8 की बात कर ले जो कि आपका आता है न्यू सोप, बहुत ही इंटरेस्टिंग सोप यहाँ पे इन्होंने गेम के अंदर ऐड किया है। ये ओल्ड ही है हमारा बट इसके अंदर कुछ न्यू आइटम्स ऐड किया है। यहाँ पे बीटा वर्जन में थोड़े बग वग पड़े हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो इसको बॉक्स आगे से पैक कर दिया गया है। बट यहाँ पे मैं आपको सोप आइटम्स दिखाता हूँ इसके अंदर न्यू क्या है। एंड बहुत ही इंटरेस्टिंग फीचर है जो कि मैंने आपको ओल्ड ही बताया था, बट ये एक अपना नॉर्मल सोप में था बट इसको एक्सचेंज करके यहाँ पे इन्होंने इसमें ऐड कर दिया। तो यहाँ पे देख रहे हो आपका न्यू ड्रॉप सिस्टम, एयर ड्रॉप कहाँ पे ड्रॉप होने वाला है आपको लोकेशन पता चल जाएगी। आप 20 कॉइन का बाय करोगे आपको मैप में मार्क लग जाएगा कि यहाँ पे आपका नेक्स्ट एयर ड्रॉप गिरने वाला है। बट ये सिर्फ एक ही बंदा बाय कर सकता है, चाहे आप बाय करो चाहे आपका एनमी बाय करे, एक सोप में से सिर्फ एक बंदा बाय कर सकता है पूरी लोबी में से। इंडायरेक्टली बोलूँ तो सेप में से आपका एक ही बंदा बाय करेगा, सोल्ड आउट हो जाएगा, उसके अलावा कोई भी बंदा यहाँ से बाय नहीं कर सकता। एंड रायट शील्ड जो कि वन ऑफ द बेस्ट शील्ड है, वन ऑफ द बेस्ट कवर होने वाला है, इसको कोई भी फोड़ नहीं सकता। बहुत ही ज्यादा एमो लगता है, ऑलमोस्ट हमारे बैरल या फिर एकेएम की 150 से ज़्यादा बुलेट इसको लग जाती है। तो बहुत ही ओपी, आप ऑर्डर कर सकते हो या फिर आप चाहो तो नेक्स्ट एयरड्रॉप की लोकेशन भी पता कर सकते हो। एंड नंबर 9 की बात कर ले तो जो कि आपका आता है न्यू व्हीकल फीचर। यहाँ पे अगर आप नॉर्मली कोई भी व्हीकल ड्राइव करते हो तो यहाँ पे आपको स्किन चेंज करने में अगर आपको इन गेम दिक्कत होती है, जैसे हमारे गेम के अंदर आप 4 आउटफिट लेकर जा सकते हो अगर आपके पास रॉयल पास एंड यूसी है। अगर आप नॉर्मली रॉयल पास बाय करते हो तो आप 2 आउटफिट गेम के अंदर ले जा सकते हो, बट यहाँ पे अगर आप यूसी लगाते हो तो आप 4 आउटफिट ले जा सकते हो। तो सेम यहाँ पे भी होने वाला है, आई डोंट नो यहाँ पे यूसी लगेगा फिर आप फ्री में, बट यहाँ पे आप गेम के अंदर 3 स्किन ले जा सकते हो कोई भी व्हीकल की। आप 3 स्किन यहाँ पे ले जा सकते हो, सपोज यहाँ पे मेरे पास बग्गी की 3 स्किन है, फिर 7, 8, 10 जितनी भी स्किन है मैं यहाँ पे इक्वाइप करूंगा। आपको इन्वेंटरी से सिलेक्ट करना होगा कौन से 3 स्किन आप गेम के अंदर ले जाना चाहते हो। 3 स्किन यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा अपने नॉर्मली, जैसे आप लोड आउट में अपने इन्वेंटरी या फिर टीडीएम के अंदर सिलेक्ट करके अपना गन ले जाते हो, तो सेम ऐसे यहाँ पे आपको स्किन सिलेक्ट करके ले जाना होगा। एंड जैसे आप गेम के अंदर आओगे आपको ऊपर राइट साइड में आपको ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, वहां से क्लिक करके आप गेम के अंदर रनिंग मोड में आप कोई भी स्किन चूज कर सकते हो। एंड नंबर 10 की बात कर ले जो कि आपका आता है न्यू टाइप ऑफ एनिमी। जैसा मैंने आपको बताया 2 टाइप के एनिमी देखने को मिलते हैं, तो यहाँ पे देख सकते हो अपोजिट टीम में यहाँ पे मेरा नॉर्मल एनिमी है जो कि आपको नॉर्मल हर जगह देखने को मिलते हैं रिंगल के अंदर, एंड मैं हूँ बबल वाला एनिमीज। उनके लिए यहाँ पे देखो उन्होंने मुझे मारा, मैं यहाँ पे हवे मुड़ चुका हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो हवे मुड़ने के बाद मैं चाहूँ तो इनको मार सकता हूँ। बट वही सीन है कि यहाँ पे बंदा जस्ट मेरे नीचे खड़ा है इसलिए मैं उसको मार नहीं सकता, इसलिए एम उतना नीचे नहीं जाता है। बट यहाँ पे अगर आपका एनिमी थोड़ा दूर होता है तो आप उसे एकदम इजी फिनिश कर सकते हो, या फिर अगर यहाँ पे आपकी स्क्वाड होती है तो आपकी स्क्वाड आपको हेल्प कर सकती है, आपको एनिमी फिनिश नहीं कर पाएगा। आपकी स्क्वाड यहाँ पे आपके टीम एनिमी से फायर करते हैं एंड आप ऊपर हील कर लोगे, हील करते आप डायरेक्ट नीचे लैंड कर जाओगे एंड
लैंड करते हैं आप उनको सरप्राइज टैग भी दे सकते हो अगर एनिमी आपको फिनिश नहीं करता है। तो बहुत इंटरेस्टिंग फीचर है, आप पूरी रेंगल के अंदर चार बार आपको बचने का मौका मिलने वाला है, तो बहुत इंटरेस्टिंग आपको फोर्थ हेनोसी होने वाला है। एंड लास्ट फीचर बात कर ले जो कि बोनस में, यहाँ पे आप जैसे चिकन डिनर कर लेते हो फिर आपका मैच एंड होता है तो आपका कुछ स्टेप्स यहाँ पे जो बंदे हैं वो इमोट करने वाले हैं। टोटल चार आपके टीममेट्स होते हैं, चारों के चारों टीममेट्स यहाँ पे सिंपल सादा इमोट करेंगे। आई डोंट नो ये इमोट क्यों ऐड किया गया, फोर्थ हेनोसी के लिए ऐड किया गया, किस लिए किया गया मुझे नहीं पता है। तो ये फीचर आपको गेम के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो बस आज की वीडियो में यही था, होप कि आपको वीडियो पसंद आएगी एंड इस वीडियो को अपने दोस्तों से जरूर शेयर कर देना ताकि उनको भी पता चले कि गेम के अंदर क्या क्या न्यू फीचर्स आने वाले हैं एंड कैसे किस मोड को खेलना है। एंड मुझे पता है कि आप लोग की केडी बहुत ही ज्यादा मेंटेन होने वाली है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि मैंने निम्बस आइलैंड पे C4 सिर्फ लैंड करते ही 8 किल कर लिया, तो आप भी किल कर सकते हो एकदम इजी, 10-12 किल कर सकते हो। यहाँ पे पिंग हाई होता है एंड सर्वर टाइम आउट होता है, बहुत सारे प्रॉब्लम होते हैं बीटा वर्जन के अंदर, तो आपका नॉर्मली रेंगल के अंदर बहुत सारे किल्स होने वाले। तो ट्राई करना अपनी केडी 10 के ऊपर रखने की। एंड वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, इस वीडियो को अपने दोस्तों से जरूर शेयर करना। हैव अ नाइस डे, टेक केयर एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देने से और मोर इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय।